हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कुर्ती के ऊपर नाप लेके कुर्ती की कटिंग कैसे करते हैं ये देखते हैं, यानी कि ये मेजरमेंट। पहले तो हम मेजरमेंट कैसे लेते हैं ये आज देखने वाले हैं। तो हमने ये तैयार कुर्ती ली है, पहले तो कुर्ती की लंबाई नापनी पड़ती है। तो लंबाई जैसे कि ये शोल्डर होता है, शोल्डर जहाँ पे हमने ये शोल्डर ज्वाइन किया है यहाँ से कुर्ती की लंबाई लेनी है। तो सीधी जितनी लंबाई है उतनी हमें लंबाई लेनी पड़ेगी। तो उसकी लंबाई है 45 इंच। उसके बाद हम शोल्डर नापते हैं इस तरह से। पहले इसको ठीक करके फिर इसके ऊपर यहाँ पे हम ये जो शोल्डर हमारा है यहाँ पे बाजू जो हम ज्वाइंट करते हैं यहाँ से हम दूसरे बाजू तक हम शोल्डर नापेंगे। तो शोल्डर आता है हमारा 14 इंच। तो शोल्डर हमारा 14 इंच आता है, तो हम 14 इंच यानी कि उसका हाफ लेना पड़ता है 7 इंच। फिर चेस्ट नापते हैं, तो यहाँ पे जहाँ पे बाजू हम यहाँ ख़त्म होती है यहाँ पे ये दोनों साइड में यहाँ पे हम चेस्ट का नाप लेंगे। जैसे टॉप के आप जहाँ कुर्ती के ऊपर आप नाप लेके कुर्ती की कटिंग करोगे तो जितना ये नाप आता है उतना ही नाप रख के 2 इंच प्लस करना पड़ता है। एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लिए 2 इंच प्लस करना पड़ता है। जैसे कि अभी ये चेस्ट आती है हमारी A1 साइड की, ये 20 इंच, तो वो पूरा 40 इंच। तो ये टॉप पर 40 इंच आती है तो उसमें 4 इंच माइनस करना पड़ता है। तो इसकी चेस्ट आती है 36 इंच। तो ये जब हम कुर्ती के ऊपर नाप लेके कटिंग करोगे तो ये जो 20 इंच आता है तो उसका 1/4 निकालते हैं हम 10 इंच। 10 इंच रख के फिर उसके बाद हम 2 इंच प्लस करेंगे, यानी कि 12 इंच हम वन साइड का लेंगे। फिर उसके बाद हम कमर का नाप लेंगे। कमर का नाप आता है हमारा 18 इंच। तो 18 इंच लेके 18 इंच तो उसका हम 1/4 निकालते हैं 9 इंच, तो उसमें हमें 2 इंच प्लस करना पड़ता है। फिर आता है हमारा सीट घेर, यानी कि यहाँ पे जो हमारे कट आते हैं यहाँ पे हम सीट का नाप लेते हैं। तो दोनों साइड का हम यहाँ पे जैसे कि यह जो कट है यहाँ से हम नाप लेंगे दूसरे साइड तक, वो आता है हमारा 24 इंच। तो 24 इंच रख के फिर 1 इंच प्लस करना है ये फोल्ड, जैसे कि ये कट का जो फोल्डिंग करते हैं हम तो 1 इंच आता है, वो 1 इंच का आता है तो 1 इंच एक्स्ट्रा लेना पड़ता है। फिर आता है हमारा घेरा, जैसे कि इसका जो घेरा है तो ये जो घेरा है ये नापना है, तो ये आता है हमारा 25 इंच। तो इसमें भी हम 1 इंच प्लस करेंगे। उसके बाद हम स्लीव्स नापेंगे शोल्डर पे, जैसे कि हमने जहाँ पे शोल्डर ज्वाइन किया है वहाँ पे वहाँ से हम स्लीव्स को नापते हैं। तो ये फुल स्लीव्स है तो ये आती है 19 इंच। तो उसमें हमें 1 इंच या 1.5 इंच प्लस करना पड़ता है, क्योंकि आधा इंच हमारा सिलाई में जाता है और नीचे के साइड से भी हमें फोल्ड करना पड़ता है। हाफ स्लीव्स होगी तो आप यहाँ से जैसे कि 5 इंच या 7 इंच जितनी आपको स्लीव्स की लेंथ चाहिए उतनी आप ले सकते हैं। तो उसका आर्मोल, इसका आर्मोल हम यहाँ से नापते हैं, यहाँ से हम इस तरह से सीधा लेंगे तो इसका आर्मोल आता है 7 इंच। उसके बाद गले का नाप लेंगे, बैक साइड का गला जो है, तो शोल्डर से हम बैक साइड का गला जो है वो 4.5 इंच है और फ्रंट साइड का गला जो है वो 7 इंच है।
तो इस तरह से ये नाप लेना पड़ता है। जब आप टॉप पर नाप लेते हैं तो जितना नाप आता है उतना ही रख के खाली एक्स्ट्रा 2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए लेना पड़ता है। जैसे कि इसका हमने नाप जो निकाला है, जैसे चेस्ट निकलती है उसकी पूरी 40 इंच, तो हम 10 इंच लेंगे, उसका 1/4 निकालते हैं हम 10 इंच, तो उसमें हम 2 इंच प्लस करेंगे। तो इस तरह से कमर का भी जितना नाप आता है उसका 1/4 करते हैं और उसमें 2 इंच प्लस करते हैं। सीट घेर का भी जो नाप आता है उसमें हम उसका 1/4 करके उसका जितना नाप आता है उतना रख के फिर उसमें 1 इंच प्लस करेंगे। और घेरा जो आता है हमारा, घेरे में भी हम जितना हमारा नाप आएगा वो रख के फिर उसका 1/4 रख के फिर हम 1 इंच प्लस करेंगे। यहाँ से हमने जो शोल्डर नापा था तो शोल्डर का हम हाफ करेंगे, जैसे कि 2.5 इंच पे इसका हम गला रखते हैं और 7 इंच का हम इसका शोल्डर लेंगे। आर्महोल भी हम 7 इंच का लेंगे। और जितनी आपकी बाजू जब जैसी चाहिए, छोटी या बड़ी, आप अपने हिसाब से बाजू की लेंथ ले सकते हैं। गला भी अपने हिसाब से, जैसे कि जितना गला होगा, यू क्रॉस में गला नापना पड़ता है, बैक साइड का भी और फ्रंट साइड का भी, तो आप अपने हिसाब से जितना आपका गला होगा तो उतना आप गला ले सकते हैं। तो ये हमने आज कुर्ती के ऊपर नाप कैसे लेके कैसे कटिंग करनी है, यानी कि कितना एक्स्ट्रा लेना है, ये आज हमने देखा है।